टीवी की मजम्मत तो मैं उस दौर से कर रहा हूँ जब से यूं समझो कि मुझे शोर आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज तक टीवी घुसा नहीं है, और मैं तो टीवी का क्या मुखालिफ हूँ, मेरे बच्चे भी इतने मुखालिफ है टीवी के कि वो भी मेरे बाद भी कभी घर में नहीं घुसने देंगे इंशाल्लाह। ना मैंने टीवी जिंदगी में आने दिया है। मैं ये वजाहत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टीवी पर दो बार आवाज की सूरत में आया हूँ, मेरा चेहरा नहीं आया टीवी पर। तो इस पर अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं टीवी पर आ गया, तो मैं टीवी पर नहीं आया हूँ, मेरी आवाज आई है, और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टीवी का कल ही मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। लेकिन टीवी ने मेरे महबूब की उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया है। बेहुदा मॉडर्न मौलवी आजकल टीवी पर बहुत कुछ इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहे हैं। ऐसे नामुसाइद हालात में टीवी घर में रखना ये बेहद खतरनाक है। अगर आपके घर में हो भी तो फौरी तौर पर इसको निकाल देना जरूरी है। जिसको आज तक मारो शैतान को ये तंजीब दारा देती थी कि शैतान को मारो और टीवी कितने जो है तुड़वा दिए, आज कौन सा नासिख मिल गया? इलियास कादरी को, दावत इस्लामी को कौन सा नासिख मिल गया कि नासिख मंसूख की बात भी करते हैं? और अब जो है वो टीवी जायज हो गया, न सिर्फ जायज हो गया बल्कि मस्जिदों में जो है लैपटॉप रखा जाने लगा।